एक्स्ट्रा क्या है कॉपी कहता? कितनी? मैंने उसमें लिखा कि आपको कुछ मेहनत करनी है, किताब खोल करके देखना है। 8 डिजिट दिखा रहा है सर। 8 डिजिट किताब में लिखा हुआ है कि 8 डिजिट का एक्सट्रैक्ट होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं ना स्पेसिफाई सर, वो है? एक्सैक्ट नाइन नाइन डिजिट नहीं, अलग अलग, मतलब कि ऐसा अलग से कोई सर क्वेश्चन आपने जो इस तरीके, पा कॉपी लगाइए, कॉपी में नंबर लिखा हुआ है कि वो एक्सट्रैक्ट क्या 9 डिजिट का है, वो तो एक प्रकार का नंबर एक्सट्रैक्ट नंबर से है ना, पर आपसे हाँ क्वेश्चन केवल ये एक्सट्रैक्ट के टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट, मतलब कि 5 प्रकार का। पहला एक्सट्रैक्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स एमएचए, दूसरा एक्सट्रैक्ट किसका हुआ बोलिए? गवर्नमेंट गवर्नमेंट, रेलवेज एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट हाँ, और तीसरा एमएचए आईएफडी हुआ, आईएफटी और चौथा फोर्थ हुआ में एसडब्ल्यूओडी एसडब्ल्यूओडी, एसडब्ल्यूओडी और फिफ्थ में हो गया कैपिटल कैपिटल, कैपिटल सिटी कैपिटल है ना। तो कैपिटल यही यही क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट के कितने नंबर का एक्सट्रैक्ट है ये कहीं पे भी नहीं आया है, और ना ही ऐसा कहीं पे किताब में कहीं लिखा हुआ मेरे को मिला। आपको कहीं पे किताब में लिखा हुआ मिले तो उसको डाल देना ग्रुप में, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें वारंट के जो दूसरे प्रकार हैं उसके ऊपर। पहला प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिया, डायरेक्ट सीरीज का वारंट रहते हैं, और दूसरा प्रकार होगा 01 एंड 02 सीरीज के वारंट। तो डायरेक्ट सीरीज के वारंट वो हुए जो 01 02 में नहीं आते, वारंट वर्क ऑर्डर में नहीं आते, अच्छा है ना। तो 10 से लेकर के आपके 41 तक सीरीज, मतलब सीरियल नंबर 10 से लेकर के 41 तक, और वहां पे आपका कैपिटल सीरीज का बचा हुआ वारंट है। कैपिटल सीरीज वर्क ऑर्डर में फर्स्ट, उसमें क्या है कैपिटल सीरीज का वर्क ऑर्डर? जीरो 04, फोर 04 सीरीज का भी आपका डायरेक्ट सीरीज में आएगा, क्योंकि तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे। और ये 01 02 सीरीज के वारंट, मतलब कि अलग अलग तरीके, मतलब कि सामान ड्रॉ करने के लिए भी लिए जाते हैं, जैसे संडी शॉप वगैरह हुआ, या टूल वारंट हुए, या और दूसरे प्रकार के वारंट। आप वर्क ऑर्डर से समझ में आ जाएंगी चीजें कि उनके जो वारंट है वो इनडायरेक्ट सीरीज के वारंट कहलाते हैं। अब एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया गया है वारंट का, उसको मैं आगे आपको दिखाता हूं। सर, जनरली अगर सपोज एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ वारंट की कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें तो दो ही लिखा जाएगा ना। हाँ, यदि टाइप्स ऑफ वारंट केवल 2 आया है, तो 1 2 3 4 तक आया तो आपको केवल 2 लिखना है, और नहीं तो यहाँ पे मैं जो दूसरे प्रकार का वारंट आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के वारंट है उसको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप, है ना। तो एक पहला प्रकार हो गया प्रोडक्शन वारंट, प्रोडक्शन वारंट के क्या कौन से पार्ट हो गए? लेबर वारंट प्लस मटेरियल वारंट, ये इसके पार्ट हुए। दूसरा प्रकार एडिशनल वारंट। अब आप ने प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीच में कोई सा ऐसा आपको लगा कि ये ऑपरेशन और करवा लिया जाए, मान लीजिए कि उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, या उसका एक्सरे करवाना है। एडिशनली नाम से पता चल रहा है कि कोई एडिशनल वर्क आ गया, आपका जो रेगुलर एस्टीमेट बना था उसमें वो काम नहीं था, पर आपको बीच में लग रहा है कि कोई सा काम और करवा लिया जाए, एडिशनली करवा लिया जाए, तो एडिशनल वारंट। तो एडिशनल वारंट के भी
में भी दो पार्ट हो जाएंगे, लेबर वारंट मटेरियल वारंट, थर्ड टाइप का वारंट। यहाँ पे मैं सीरियल से नहीं चल पा रहा हूँ, NRR/NRM जो वहां पे मैंने बताया था कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सडनली कोई NRR/NRM एस्टिमेट की जरूरत पड़ती तो उसके अगेंस्ट में हम वारंट इशू करते हैं। तो इसमें भी NRR के लिए लेबर वारंट रहेगा, NRM के लिए मटेरियल वारंट रहेगा। तो ये एक वारंट का पार्ट रह सकता है, पूरा भी रह सकता है। मान लीजिए 1 लाख का क्वांटिटी का आपने वारंट लिया, आपका 80,000 बन चुका है, 20,000 के लिए इस तरीके का लेने की जरूरत पड़ी तो आप 20,000, 30,000, 50,000 जो भी विद इन 1 लाख के अंदर जो भी रह सकता है। तो दोनों के परसेंटेज कोई निर्धारित नहीं है कि आपको 20,000 का NRM मिलेगा या 80,000 का मिलेगा। ये एज पर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से NRR NRM दिया जाता है। इसके बाद में अब फोर्थ प्रकार हो गया रिप्लेसमेंट वारंट। रिप्लेसमेंट वारंट में क्या होगा कि अब आपने जो 1 लाख का एक्सट्रैक्ट आया था, मान लीजिए अब 1 लाख के एक्सट्रैक्ट किसके आधार पे मिला था आपको, 1 लाख का इंडेंट मिला था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इंडेंटर के द्वारा, तो इंडेंटर को तो 1 लाख क्वांटिटी चाहिए। अब आपने प्रोडक्शन करते वक्त मान लीजिए कि 20,000 फेल हो गया, तो 20,000 फेल हो गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20,000 के लिए बियॉन्ड इस बियॉन्ड बियॉन्ड UAR अनअवॉइडेबल रिजेक्शन। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, BOE बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जाएगी GM नॉमिनेटेड कमेटी के द्वारा, और इसके बाद में बनेगा लॉस लॉस स्टेटमेंट। लॉस स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करने की अलग अलग पावर है, जीएम को कुछ पावर है, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, और उसके ऊपर के पावर्स के हिसाब से वो मिनिस्ट्री जाता है। पर अब यहाँ पे बात हुई कि 80,000 तो आपने इशू कर दिया, 20,000 आपका जो फेल हुआ था, आर्मी को या नेवी को उससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या फेल किया, उसको तो 1 लाख आइटम चाहिए। तो ये 20,000 क्वांटिटी का वारंट लेने के लिए एडिशनल, मतलब कि एक्स्ट्रा वारंट लेने के लिए पहले ये BOE कंप्लीट करके एक रिप्लेसमेंट वारंट इशू किया जाता है। ये अलग प्रकार हो गया वारंट का। इसके अलावा ये फिफ्थ है सन्ड्री शॉप वारंट। मान लीजिए आपको अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ ऐसे मतलब अलमारी टेबल वगैरह या कुछ और चीजें बनानी है, कुछ प्रोडक्शन सन्ड्री शॉप आइटम के प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो वारंट इश्यू किया जाएगा उसको बोला जाता है सन्ड्री शॉप वारंट। इसके बाद में एक वारंट इशू किया जाता है टूल वारंट। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ टूल्स की रीशार्पनिंग करवानी पड़ेगी,
तो उसके लिए जो वारंट इश्यू किया जाता है उसको बोला जाता है टूल वारंट। इसका वर्क ऑर्डर होता है 02-14-08-00। इसके बाद में एक और वारंट होता है शॉप वारंट। शॉप वारंट भी आपके 01 and 02 सीरीज के जब वारंट दिए जाते हैं, जैसे आपको कोई सा मटेरियल ड्रॉ करना है या कुछ मतलब छोटी मोटी चीजें रिपेयरिंग वगैरह करवाना है तो उसके लिए शॉप वारंट इशू पे आपका मान लीजिए एडमिन सेक्शन है या मेंटेनेंस सेक्शन, उसको अपने लिए कुछ मटेरियल ड्रॉ करना है तो स्टोर को सीधे सीधे डिमांड नोट नहीं दे देंगे। डिमांड नोट देने के लिए आपको एक वारंट लेना पड़ेगा, उसको बोला जाता है शॉप वारंट। शॉप की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वारंट दिया जाता है 01-02 सीरीज में उसको बोलते हैं शॉप वारंट। जैसे आपको स्टेशनरी ड्रॉ करना है, झाड़ू पोछा या और कोई भी इस तरीके के सपोर्टेड इनडायरेक्ट मटेरियल ड्रॉ करना है तो उसके लिए शॉप वारंट। तो ये बेसिक प्रकार हो गए हमारे वारंट के। एक वारंट ये क्वार्टरली इशू वारंट की लाइफ, ये वाले वारंट की लाइफ हर क्वार्टरली है आपकी। सिक्स मंथ्स की रहती है। ये कई साल पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो ये अभी आज मोटा मोटा आप लोग पूरा डिटेल में मैंने बहुत आगे तक चीजों को पढ़ा दिया। अब एक एक चीज को मैं मतलब कि जो समझाने वाली चीजें थी उसको समझा दिया। डिटेल में आप लोग किताब में पढ़ लीजिए सर। हाँ जी बोलिए दर्शना जी। सर आप बोल आपने बताया कि वो जो 20,000 रिजेक्शन हो जाता है वो रिजेक्शन के बारे में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है और वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी क्लियर करने के बाद में फिर जो एक वारंट बनता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसी को रिप्लेसमेंट वारंट बोला जाता है। उधर पे तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी लॉस स्टेटमेंट बना दिया, वो एक प्रोसेस अलग चल रही। उस बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद में उस आर्मी नेवी एयरफोर्स को तो 20,000 भेजना है तो उसके लिए तो एडिशनल मटेरियल चाहिए होगा ना, एडिशनल लेबर लगेगा। तो जो ये किसके लिए लग रहा है? रिप्लेसमेंट करने के लिए। वो 20,000 जो हम बना करके फेल कर चुके हैं तो उस 20,000 के बदले में हमारे को जो मटेरियल और चाहिए होगा वो रिप्लेसमेंट वारंट के द्वारा दिया जाता है। एडिशनल वारंट होगा कि आपको ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपको कुछ ऐसा लगता कि कोई ऐसा काम मतलब एक्सरे करवा लिया जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लिया जाए या और कोई ऑपरेशन छोटा मोटा करवा लिया जाए तो वो एडिशनल वारंट, और यहाँ पे जब फेल हो रहा है तब रिप्लेसमेंट वारंट। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। और सर अगर पूरा का पूरा लॉट अगर फेल हो जाता है तब, अगर वो लॉट वापस लौट कर आता है तब?
तब भी रिप्लेसमेंट वारंट ही इशू होगा यदि रिपेयर एंड रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है तो उसका वर्क ऑर्डर अलग है 02000018 रिपेयर एंड रेक्टिफिकेशन वारंट इशू किया जा रहा है। सर रिप्लिका रिप्लिका आप वारंट थोड़ा बता दीजिए तो रिप्लिका मीन अब आप लोगों ने ड्राइंग या बनाई होगी शुरू में कभी बचपन में तो पहले इतनी सी छोटी सी ड्राइंग आपको दे दी जाती आपने एक ड्राइंग बनाई एक सेंटीमीटर की बनाई और बता दिया जाता है कि इसका इतना बड़ा मतलब कि 10 गुना बढ़ाइए या छोटा करिए तो बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी है ना केवल डायमेंशन बदल जाएगा वहां पे आप ड्राइंग में डायमेंशन बदल रहे हैं और यहाँ पे एस्टीमेट में मटेरियल और लेबर तो क्वांटिटी बदलेगी किसके हिसाब से जो आपका वारंट की क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसी रेशियो में मान लीजिए 1 किलो आपको दिया गया एक 100 क्वांटिटी बनाने के लिए और 1000 का वारंट हो गया तो 10 गुना हो गया तो ये रिप्लिका हो ठीक है ओके गुड नाइट इसको पूरा एक बार रिपीट कर लीजिए तो जल्दी से समझ में आ जाएंगी चीजें नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गुड नाइट ओके गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट थैंक यू सर